तो आज हम बात करेंगे कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज को हम कैसे क्लियर कर पाएंगे तो डीजीएस की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो डीजीएस की प्रेपरेशन को करने से पहले हमें उसका कंप्लीट सिलेबस पता होना चाहिए और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है तभी हम उसको एक कम समय में अच्छी तरकीब से क्लियर कर पाएंगे तो अभी हम बात करेंगे कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स के अंदर जो थ्री स्टेजेस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्रिलिमरी एग्जामिनेशन होता है उसके बाद है मेंस एंड देन फॉलोड बाय इंटरव्यू अब हम बात करेंगे कि दिल्ली जुडिशल सर्विस एग्जाम का जो प्रिलिमरी एग्जामिनेशन है उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है कैसे क्वेश्चन आते हैं क्या ड्यूरेशन रहता है तो हम बात करें तो प्रिलिमरी स्टेज जो है ये एम बेस्ड पेपर आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस होंगे जिसमें आपके पास दो सौ होंगे विद नेगेटिव मार्किंग तो नेगेटिव मार्किंग भी है अगर आप ज़्यादा रोंग करते हैं क्वेश्चन तो ऑफकोर्स चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं पास होने के अब इस 200 सौ के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं जनरल नॉलेज करंट अफेयर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लॉ नाउ इस एग्ज़ाम को जब 200 सौ को करने के लिए आपको टू आवर थर्टी मिनट्स दिए जाते हैं इसके अलावा आपके एडिशनली फिफ्टीन मिनट्स दिए जाएंगे फॉर द रीडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर तो जो फिफ्टीन मिनट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस 15 मिनट्स में आप अपने क्वेश्चन पेपर पे कोई भी नोट्स uh, बना सकते हैं जो आंसर आपको आते हैं उसी वक्त टिक कर सकते हैं बट मेरी एडवाइस है इन 15 मिनट्स में एक एक बार अपना प्रॉपर ग्लिम्स ले, ले लेंगे पूरे पेपर का आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप इसको आगे चलकर उसको दो टू आवर्स थर्टीन मिनट्स में कम्प्लीट कर पाएंगे अब इसमें uh, एक चीज़ में बता देता हूँ जो एग्ज़ाम होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है प्रिलिम्स का बहुत लेंथी पेपर है 200 सौ क्वेश्चनस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो इसको आप एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलेंगे कि मुझे 200 सौ क्वेश्चन कैसे कम्प्लीट करने हैं इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें रेगुलरली प्रैक्टिस करें एम सी क्यू सॉल्व करने की तो तभी आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे तो डी जी एस के जो प्रिलिमरी एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट स्टेज है उसकी आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके लिए कि चार्ट जो ड्रॉ किया गया है इस चार्ट से आप समझ पाएंगे कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना इंपॉर्टेंस देना है क्या स्ट्रेटजी रहेगी तो अगर हम देखें टू रिसेंटली 2019 में दो बार दिल्ली जुडिशल सर्विस एग्जाम हुआ है और उससे पहले 2018 तो ये थ्री क्वेश्चन uh, पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आए हैं इससे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आई एम श्योर इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस सब्जेक्ट को कितना आप इंपॉर्टेंस देते हुए काम करेंगे देखिए अब सबसे पहले हम जीके की बात करते हैं जनरल नॉलेज स्टैटिक भी आती है एंड करंट अफेयर्स भी आते हैं मोर फोकस जो करेंगे आप इसमें लीगल अफेयर्स की तरफ करेंगे क्योंकि करंट करंट अफेयर्स तो आएंगे ही बट उसमें जो मेन फोकस रहता है जनरली वो लीगल अफेयर्स लीगल करंट अफेयर्स की तरफ रहता है स्टैटिक जीके में से वो पूछ भी सकते हैं इनफैक्ट करंट अफेयर को भी अच्छे से समझ लेंगे आई आम नोट होंगे ऐसे यूपीएससी वाले लेवल का क्वेश्चन आएंगे थोड़े सिंपल होंगे बट इतने सिंपल भी नहीं होंगे कि आप बिगर करिए उसको पास कर जाए तो यू हैव टू प्रिपेयर इट देख सकते हैं वेटेज कितनी अच्छी है थर्टी वन क्वेश्चन आए दो हजार उन्नीस में सेप्टेम्बर में जनवरी में थर्टी आउट ऑफ टू हंड्रेड की बात कर रहा हूँ मैं पंद्रह क्वेश्चन टू थाउजेंड एटीन वाले पेपर में आए थे तो so बहुत अच्छी वेटेज है सेकेंड स्टेज आ जाती है हमारी जिसमें सेकेंड टॉपिक जो है इसमें हमारे इंग्लिश मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो पेपर आता है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है तो पेपर प्रीलिम्स का तभी कंप्लीट हो पाएगा जब आपकी कमांड इंग्लिश में बहुत अच्छी होगी इंग्लिश में कमांड और इसमें आप देख सकते हैं बीस क्वेश्चन आए हैं तो बीस क्वेश्चन बाईस क्वेश्चन अड़तीस क्वेश्चन तो बहुत अच्छी वेटेज है अगर आप एक एनालिसिस करके देखें तो इन दो सब्जेक्ट को ही मिलाकर सिर्फ मोर देन फिफ्टी क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपका करंट अफेयर्स जीके और इंग्लिश लगभग वन फोर्थ पेपर तो आप इनसे ही कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं लॉ सब्जेक्ट की तरफ लॉ सब्जेक्ट में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वैसे तो वेटेज कम हो रही है धीरे धीरे लेकिन देखो पांच क्वेश्चन आए आठ क्वेश्चन आए थर्टी फर्स्ट आए थर्टी वन क्वेश्चन थे टू थाउजेंड एटीन में लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब तक आप नहीं समझेंगे तो ये जितने भी नीचे लॉज लिखे हैं सारे आपको इतना डिफ़िकल्टी आ सकती है उन चीज़ों को समझने में राइट तो अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़ा फोकस होकर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ने से क्या फायदा होता है कि आप जो ये एक सीआरपीसी सीपीसी में भी आप इनका कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पा पाएंगे तो वो आप सॉल्व कर लेंगे आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके पूछे जा रहे होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना बहुत जरूरी है डिटेल में पढ़े इन फैक्ट सलेबस में लिखा नहीं होता है बट यू शुड नो इट सेकेंड है सिविल प्रोसेसर कोर्ट सिविल प्रोसेसर कोर्ट तो अपने आप में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है थर्टी टू क्वेश्चन आए आप देखिये थर्टी नाइन और ट्वेंटी सेवन तो जितना डिटेल में हो पढ़ सके पढ़ सके, सके रूल्स एंड ऑर्डर को आप पढ़ें विद केस लॉस पढ़ लें फिर आता है थर्ड आपका सीआरपीसी सीआरपीसी में भी क्वेश्चन जो रहे हैं बीस क्वेश्चन पच्चीस क्वेश्चन या सोलह क्वेश्चन तो एक काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है सीआरपीसी आईपीसी के अंदर देखेंगे थर्टी टू ट्वेंटी थ्री एंड एटीन तो अच्छी वेटेज है एंड देन वी हैव एविडेंस एक्ट ये एविडेंस एक्ट में ग्यारह क्वेश्चन ग्यारह क्वेश्चन और बीस क्वेश्चन दिखने में तो कम लग रहे हैं लेकिन इसका फायदा आपको जितना डिटेल में एविडेंस एक्ट को पढ़ेंगे उसका फायदा आपको मेन्स एग्जाम में पड़ेगा क्योंकि मेन्स में वो दोनों सिविल वन एंड सिविल टू एंड क्रिमिनल लॉ में आता है राइट एविडेंस एक्ट दो जगह कवर करता है वहां पर सिविल पेपर एंड क्रिमिनल पेपर दोनों में अब एक चीज़ मैं आपको बताना तो आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीपीसी सीआरपीसी आईपीसी एंड एविडेंस इन पांच सब्जेक्टों को ही अगर मैं मिला दूं तो लगभग आप ये देखेंगे कि सौ नंबर का पेपर आपका यह कंप्लीट हो जाता है सौ नंबर का यहाँ हो जाता है और फिफ्टी मार्क्स का यहाँ कंप्लीट हो जाता है तो लगभग 150 मार्क्स आपके इन दो चीज़ों को इन सब्जेक्ट्स को कवर करने से ही हो जाते हैं अब आगे चलते हैं अगर हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लेकिन देखा गया है कि क्वेश्चन कम ही हैं लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट टेन क्वेश्चन तो इसमें आ ही सकते हैं नाउ पार्टनरशिप पार्टनरशिप में से तीन चार क्वेश्चन ही आते हैं तो आप इसको देख सकते हैं फिर है आपका प्रिंसिपल गवर्निंग आर्बिट्रेशन लॉ रिसेंटली जो 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें आर्बिट्रेशन के 22 क्वेश्चंस क्वेश्चन इट वाज वेरी शॉकिंग बट ट्रेंड चेंज हो रहा है आर्बिट्रेशन लॉ का टाइम है सारी चीज़ें आप कुछ चीज़ें आर्बिट्रेशन से सॉल्व हो रही हैं तो इसलिए आर्बिट्रेशन का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है देन प्रीवियस ईयर में इलेवन और थ्री तो लेकिन अब आप, आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे विथ केस लॉस पढ़ लेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें तो दस क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिछले प्रीवियस पेपर्स में भी आठ नौ क्वेश्चन आते रहे हैं देन लिमिटेशन एक्ट लिमिटेशन में भी आप यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट टेन क्वेश्चन नाउ अगर आप देखेंगे चार जो सब्जेक्ट्स हैं ये माइनर एक्ट हैं बट इसमें से भी आप देखेंगे कि थर्टी के आसपास फोर्टी क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन अभी रिसेंटली आबिट में से ज़्यादा क्वेश्चन है तो और ज्यादा एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं लास्ट सब्जेक्ट जो मैंने मिस लेने से लिखा है इसमें मैंने देखा 2018 में टीपीए के जो क्वेश्चन थे वो छः क्वेश्चन आ गए थे और इसमें एक क्वेश्चन हिंदू लॉ का भी था जबकि हिंदू लॉ आता नहीं है प्रिलिम्प में बट थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप मेन्स के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो हिंदू लॉ मुस्लिम तो मेन्स में आएगा ही तो इसलिए आप इसको पढ़ लेंगे तो ये दो सौ हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे जिससे आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे और अब आता है मेन्स तो डीजीएस का जो मेन्स है उसका एग्जाम का जो पैटर्न है उसको हमने चार स्टेजेस में डिवाइड किया है चार पेपर होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जी एंड करंट अफेयर एंड लैंग्वेज का होगा जिसमें लैंग्वेज uh, की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ होती है उसमें ट्रांसलेशन आता है प्रिसाइस राइटिंग आती है तो 250 मार्क्स का ही होगा और जीके और करंट अफेयर्स लीगल भी आता है वैसे बेसिक करंट अफेयर्स भी आते हैं देन सेकेंड पेपर जो होगा वो होगा सिविल लॉ वन का जो 200 नंबर का होगा एंड देन सिविल लॉ टू वो भी 200 नंबर का होगा एंड देन फाइनली क्रिमिनल लॉ वो 200 मार्क्स का होगा नाउ अब आती है सेकेंड स्टेज तो डीजीएस का जो मेंस है वो सेकेंड स्टेज है और इस सेकेंड स्टेज में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा यानी अब आपको लिखना पड़ेगा अब इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये इसमें चार पेपर कवर करते हैं सबसे पहला जो पेपर है जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज का है जिसके अंदर करंट अफेयर्स लीगल करंट अफेयर्स भी होंगे बेसिक करंट अफेयर्स भी होंगे एंड जनरल नॉलेज स्टैटिक जी की होगी एस से लिखने को आपको आएगा एंड ट्रांसलेशन होगी हिंदी टू इंग्लिश इंग्लिश टू हिंदी प्रिसाइस राइटिंग होगी जिसको आपको समरी में पैसेज को लिखना पड़ता है ये आपका पहला पेपर हो जाता है सेकेंड जो पेपर होगा आपका सिविल लॉ का सिविल लॉ वन सिविल लॉ वन के अंदर होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ एंड दलीर एंड कंट्रोल एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉट्स तो ये जो सब्जेक्ट हैं वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन हिंदू लॉ में से तो ज़्यादा आते ही हैं स्पेसिफिक रिलीफ को मे बी सी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं आप इन सब सब्जेक्ट को जब मेन्स की प्रपरेशन करते हैं तो वैसे एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो प्रिपरेशन अल्टीमेटली हम करते हैं वो मेन्स की ही करते हैं बट द सेम टाइम हम एम सी क्यू सॉल्व करते हुए चलते हैं तो बिकॉज हमें प्रिलिम्स को क्लियर करना ही पड़ेगा मेन्स तक पहुंचने के लिए प्रिलिम्स क्लियर करना पड़ेगा तो इसलिए सबसे पहले आपको सभी सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना है विद केस लॉस तो ये है हमारा सिविल लॉ वन पेपर जिसको जितना डिटेल में पढ़ेंगे केस लॉ के हिसाब से तो उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एमसीक्यू जब प्रिलिम एग्जामिनेशन देंगे तो कोई इशू आएगा ही नहीं राइट एंड देन वी हैव सिविल लॉ टू पेपर सिविल लॉ टू पेपर में सी है एविडेंस है लिमिटेशन एंड रजिस्ट्रेशन है सी जैसे आपको बताया काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है प्रिलिम्स में भी और मेंस में तो देखो एक सब्जेक्ट ही है पूरा कवर करता है सीपीसी और उसके साथ एविडेंस आ रहा है एविडेंस मैंने आपको बताया था एविडेंस में आप एम में डी में इलेवन क्वेश्चन थे बट अगर आप देखेंगे तो एविडेंस मेंस में बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि एविडेंस दो जगह कवर होता है सिविल लॉ टू एंड क्रिमिनल लॉ में भी और वैसे भी जब 11 क्वेश्चन ही अगर एम सी क्यू की अगर प्रीलिम्स में आए हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट के इसके 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं नेक्स्ट टाइम तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड देन लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड रजिस्ट्रेशन एंड फाइनली लास्ट पेपर इज क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल लॉ में हमारा सी कवर होता है आई कवर होता है एंड एविडेंस एक्ट तो ये चार पेपर हैं इन चार पेपर को दो दिनों में ये होता है फर्स्ट डे जो पेपर होंगे दोनों पेपर हो जाएंगे सेक्श uh, क्या नाम है जी के वन सॉरी पेपर नंबर वन एंड आपका सिविल लॉ वन सिविल टू एंड सिविल क्रिमिनल लॉ आपका नेक्स्ट डे हो जाता है तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को डिटेल विद केस लॉस स्टडी करते हुए प्रिपरेशन करेंगे एक चीज इंपॉर्टेंट है जब आप इनकी प्रिपरेशन करते हैं अपने नोट्स बनाइए नोट्स के साथ साथ आप इनके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं जो मेन्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे लिख लिख के सॉल्व करेंगे जनरली इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दिल्ली के अंदर तो इलस्ट्रेशन के साथ जो क्वेश्चन होंगे उनको ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे आप तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी टाइम फ्रेम देखेंगे कितने क्वेश्चन को आप कितने देर में अटैम्प्ट कर पाते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सारे पेपर जो बहुत लेंथी होते हैं यू हैव टू फ्रेम टाइम वर्क तो अब आता है आपका फाइनल स्टेज जो कि है वाइवा वॉइस जो स्टूडेंट्स मेन्स को क्वालिफाइंग करेंगे तो उनको वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाता है वाइवा वॉइस जो है 150 मार्क्स का होगा एंड वाइवा वॉइस में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है यू हैव टू क्वालिफाई दैट देन ओनली यू वुड भी फाइनली सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जुडिशियल सर्विसेस नाउ इसमें वायो वॉइस में जो मेन्स क्वालिफाइंग करते हैं उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वन इज टू थ्री के रेशियो में इंटरव्यू वॉय वॉइस के लिए बुलाया जाता है नाउ दिस इज द फाइनल स्टेज जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो आप इसमें जुडिशरी की पोस्ट पर आप सक्सेस पा लेंगे नाउ एक चीज़ कुछ चीज़ें और हैं जो आप समझ सकते हैं इसमें एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट्स अनरिजर्वड हैं उनके लिए जो मैक्सिम मेजर थर्टी टू ईयर्स तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देन एस सी एन एस टी के लिए है थर्टी सेवन यानी फाइव ईयर एडिशनल है इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स जो प्रिलिम्स एग्जामिनेशन के जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है वो वन ट्वेंटी है और एस सी एन एस टी के लिए वन टेन है एक चीज चीज़ें समझ लेंगे मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स आने ही चाहिए और uh, जो डी जी एस में मिनिमम क्वालिफाइंग्स मार्क्स से नीचे वो नहीं ले जाते हैं वैसे कुछ और स्टेट जैसे हरियाणा है अगर डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है तो देखें लोअर डाउन दी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बट इन दिल्ली वो नीचे नहीं करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो इतने आने ही चाहिए देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन मेन्स में भी मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास करने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे तो फॉर अनरिजर्व कैटेगरी जो है वो फोर्टी है ई सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट जो है फिफ्टी परसेंट होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया चार सब आ, चार पेपर होंगे आपके उन फोर में एटलीस्ट फोर्टी फोर्टी परसेंट तो होने ही चाहिए एंड देन उनका एग्रीगेट फिफ्टी परसेंट एंड फॉर एस सी एन एस टी थर्टी फाइव परसेंट इन ईस सब्जेक्ट एंड फोटी फाइव एग्रीगेट सो ये एक ओवरव्यू है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप डेली जुडिशल सर्विस एग्जाम को पास कर पाएंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग Please like and subscribe my channel. Thanks for watching.